सबसे पहले इसको टेस्ट करेंगे कि L1 हो सकता है या नहीं इस कैटेगरी में, बराबर है। ये कौन सा कैटेगरी है? क्लिनिक कैबिनेट नहीं, सर टेस्ट कैसे करते हैं आप? हाँ तो वही देख रहे ना, टेस्ट ही कर रहे हैं। देखो ना, अब यहाँ पे सबसे पहले इसको फिल्टर यूज करेंगे। इसमें टोटल नहीं प्रोडक्ट कितना है? तो इतना टोटल प्रोडक्ट है। अब इसमें से मेरा प्रोडक्ट, ये मेरा प्रोडक्ट, इसको L1 करना है ना, इसके साथ हम अपना फिल्टर को यूज करेंगे। जैसे कि एक एक करके जाओ, ओवरऑल डेप्थ रेंज, तो यहाँ पे जाओ, ओवरऑल डेप्थ रेंज कितना है आपका दोनों? हाँ, 375 mm का है। तो हम यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे 375 mm का। हम अपना फिल्टर बाकी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मेरा प्रोडक्ट को यहाँ पे आएगा कि नहीं पहले वो चेक करेंगे। मेरा प्रोडक्ट का रेट कितना है वो देख लेंगे एक बार, 64,000 का है, और यहाँ पे अभी 50 का आया है। पहले यहाँ पे वो एक बार चेक कर लेंगे कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे आया तो फिर हम उसके ऊपर काम करना चालू करेंगे। ओवरऑल वेट रेंज है 375, 375 है, देखते हैं। 57,000 का प्रोडक्ट आ रहा है। हाइट रेंज, अभी हाइट का देख लो, 820 का है, तो 820, इसमें 31 प्रोडक्ट बच जाएंगे। 57 मेरा 60,000 के लगभग का है। नंबर ऑफ सेल्स, में नंबर ऑफ सेल्स कितना है देखो, सर का है नंबर ऑफ सेल्स 1, नंबर ऑफ सेल्स 1, इसमें 6 प्रोडक्ट बच जाएंगे सिर्फ। 57,500 आया अभी तक। नंबर ऑफ शटर, नंबर ऑफ शटर कितना है देखो, नंबर ऑफ शटर 1 है सर का, यहाँ पर भी नंबर ऑफ शटर 1 कर देंगे। यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सबसे पहला है कि यहाँ पे अपना प्रोडक्ट आना चाहिए। नंबर ऑफ ओपन सेल्स, नंबर ऑफ ओपन सेल्स 1 है, ये भी 1 है सर का, 3, शायद हमारा प्रोडक्ट अभी आ जाए, कम प्रोडक्ट हो गए। 64 यही है ना सर आपका? यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गया, बराबर है। अभी हम इसके ऊपर L1 के लिए काम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया तो इसको अभी क्लोज कर दो सर, अभी फिल्टर निकाल दो। यदि यहाँ पे आ गया तो अभी L1 के लिए काम करेंगे, नहीं तो L1 के लिए काम ही नहीं करेंगे, वो प्रोडक्ट कभी L1 नहीं होगा। और जो रेट आएगा उससे कम रेट में आपको देना पड़ेगा, यदि L1 करना है आपको तो। फिल्टर को निकाल देते हैं। अभी हम लोग मेन L1 के प्रोसेस पे आएंगे, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि मेरा प्रोडक्ट आ रहा है वहां पे, यहाँ पे तो आ रहा है। अभी हम L1 के लिए कोशिश करेंगे कि L1 होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे आ गया तो L1 हो ही जाए, होगा 100%, पर आपके कॉम्पिटिटर नहीं हो सकते, ऐसा ये हो सकता है पॉसिबल, पर L1 तो होगा आपका प्रोडक्ट। तो देखते हैं ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ क्या है? तो 375 है। हम लोग एक एक फिल्टर लगाएंगे, 375 पहला लगा देंगे, 375 का ये प्रोडक्ट, 375 का। अभी यही प्रोडक्ट यहाँ रहना चाहिए, उसके लिए हमको अलग फिल्टर हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो 400 पे देखते हैं, यही वाला प्रोडक्ट यहाँ पे रहता है क्या? नहीं, चेंज हो गया। यदि तो चेंज हो गया तो ये फिल्टर यूज नहीं करेंगे। 800 पे देखते हैं, यही वाला रह रहा है तो फिल्टर यूज करेंगे। जिसमें यही वाला प्रोडक्ट रहेगा उसको यूज करेंगे, देखो यही वाला रह रहा है तो यूज करेंगे। 340 पे देख लेते हैं, यही वाला रह रहा है, सिर्फ ये वाला पोर्ट फिल्टर हम लोग यूज नहीं किए, बाकी इसको हम लोगों ने यूज कर दिया। पहला हमारा फिल्टर का काम हो गया। फिर ओवरऑल विड्थ, ओवरऑल विड्थ कितना है? तो 375 mm, ओवरऑल विड्थ है 375, 375 है। इसका देख लो पहले क्या है, 375 है क्या ओवरऑल विड्थ? नहीं है, ओके। तो हम यहाँ पे फिल्टर इसका यूज कर लेंगे, 375 का, 375 का फिल्टर यूज करो, चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट। अभी और फिल्टर लगाएंगे, अभी यहाँ पे ही ये प्रोडक्ट यहीं पर रहना चाहिए, उसके लिए हमको जो जो फिल्टर होगा यूज करेंगे। नीचे से करता हूं मैं, 750 का, 57 वाला ही रहना चाहिए, रह रहा है, सर ये फिल्टर हम यूज ये कर करेंगे। क्यों रहे हैं, मतलब ये हम ये चीज कर क्यों रहे हैं जो अभी? हमारे पास कंपेयर के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रखने के लिए, नहीं तो लास्ट में मेरा अकेले का प्रोडक्ट बच जाएगा, कंपेयर के लिए कोई नहीं रहेगा। हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रखना चाहते हैं अपने पास कंपेयर के लिए, इसलिए हम प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं, अपने से ज्यादा रेट वाले को नीचे ला के रख रहे हैं। 450 का, इसीलिए हम अपने से कम रेट वाले को निकाल दे रहे हैं, हमसे ज्यादा रेट वाले को ही रख रहे। 420 देखो, ये फिल्टर हमारे से कम रेट में आया तो हम ये वाला फिल्टर को निकाल देंगे, अभी यूज नहीं कर रहे। हमसे ज्यादा रेट वाला चाहिए, हमसे कम रेट वाला नहीं चाहिए यहाँ पे फिल्टर। 400 देखो, कम रेट वाला आया, निकाल देंगे, ये फिल्टर को यूज नहीं करेंगे, हमसे ज्यादा रेट वाला रखेंगे।
350 का देखते हैं, नहीं अरे यहाँ पे कैसे हो गए, 57 का है ना, ये वाला फिल्टर को यूज नहीं करेंगे हम, से 57,000 से ज्यादा वाला रेट को रखेंगे सर, रख रहे। ओके क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया ना सबको क्या फिल्टर यूज कर रहा हूं मैं, कैसा लगा रहा हूं यहां तक, मैं किसी को कुछ डाउट्स है। थर्ड फिल्टर, फिर से हम फिल्टर यूज करेंगे, ओवरऑल हाइट, ओवरऑल हाइट कितना है, 820 का है, 820 का है, ये 820 का है। अभी यहां वाला पहले देख लेंगे इसका हाइट कितना है, 750 है एब्सोल्युटली, तो फिर हम यहाँ से ये फिल्टर को यूज कर लेंगे, ओवरऑल हाइट कितना है 820, लगा दो फिल्टर, ये निकल जाएगा प्रोडक्ट 57,500 का हो गया। अभी हम फिर से फिल्टर इसमें यूज करेंगे, 750 का देखेंगे, 50 से नहीं निकाल देंगे फिल्टर, हमसे ज्यादा रेट वाले को रखेंगे, कम रेट वाले को नहीं, 57,500 से ज्यादा रेट वाले को रखेंगे। 600 का फिल्टर लगाओ, एक मिनट है, ये जीएम का थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है कभी कभी, फिर से लगाओ 600 को, एक प्रोडक्ट है कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, छोड़ दो 600 को, और 50 का देखो, हाँ ठीक है रह रहा है यहाँ पे, 400 का देखो रह रहा है। ओके तीन फिल्टर अपना यूज हो गया, नंबर ऑफ सेल्स हमको पता है ये 1 है, तो हम पहले इसका देखेंगे नंबर ऑफ सेल्स क्या है, इसका नंबर ऑफ सेल्स 1 है, तो ये फिल्टर यूज करके कोई फायदा नहीं क्योंकि यही वाला प्रोडक्ट यहाँ रहेगा, ये फिल्टर को चाहे तो हम बाद में यूज करेंगे। नंबर ऑफ सेटर 1 है मेरा प्रोडक्ट का, इसका देखते हैं नंबर ऑफ सेटर कितना है, 1 है, इसको भी हम लोग यूज करके मतलब नहीं है, दो ये दोनों फिल्टर को यूज नहीं करेंगे। नंबर ऑफ ओपन सेल्स ये मुझे पता नहीं है मेरा प्रोडक्ट का कितना है, नंबर ऑफ ओपन सेल्स कितना है, 1 है, नंबर ऑफ ओपन सेल्स भी मेरा 1 है। अभी ये प्रोडक्ट का देखते हैं नंबर ऑफ ओपन सेल्स कितना है, नंबर ऑफ ओपन सेल्स इसका क्या है, 0 है, यहाँ पे ये वाला फिल्टर को यूज करेंगे, नंबर ऑफ ओपन सेल्स मेरा क्या है, 1 है, 1 डालेंगे कि ये प्रोडक्ट का ये निकल जाएगा, इससे ज्यादा रेट वाला जाएगा, आ गया यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट। अभी देखो यहाँ पे कंपेयर के लिए कितने प्रोडक्ट, हम इजीली L1 कर सकता हूँ, कंपेयर के लिए तीन प्रोडक्ट चाहिए तो तीन प्रोडक्ट है मेरे पास, उठा लो तीन प्रोडक्ट, ये रहा। विश्वनाथ सर आपको इसका लिंक चाहिए, स्टार्ट कंपैरिजन कर लो, यहां से इसको एड टू कार्ट, इसका लिंक उठाते हैं और हम इसका लिंक भेज देते हैं सर को, सर का हो गया कर, ठीक है यहाँ पे एड टू कार्ट करेंगे इसको, डायरेक्ट परचेस, हम इसका ऑर्डर हम अपने ही पार्टी को देंगे, ये कंपैरिजन सीट है ना, ये कंपैरिजन सीट का भी लिंक भेज देता हूँ। ओके ठीक है, इसको डायरेक्ट परचेस कंफर्म, ओके इसको कंटिन्यू करेंगे अभी, यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स वगैरह डालेंगे, कौन है मेरा पेमेंट अथॉरिटी, कौन है अप्रूवल के लिए, वीडियो फाइनेंस अप्रूवल कौन है, ये भी वीडियो है, कहाँ के एड्रेस पे चाहिए, बायर या कंसाइनी के, कंसाइनी के एड्रेस पे चाहिए, यहाँ पे फाइनेंशियल अप्रूवल का पेपर अपलोड करना पड़ता है जो हम अपलोड कर देते हैं, एक डिपार्टमेंट से फाइनेंशियल इतना अप्रूव हुआ है पेमेंट, उसके लिए एक पेपर देना पड़ता है, पेपर अपलोड करना है आपको, जैसे कि टेंडर नोटिस निकलता है वैसा। जी ये परचेज करना है, अभी हम ऑर्डर लगा रहे हैं ना, अभी हम ऑर्डर लगा रहे हैं, हाँ ऑर्डर लगा रहे हैं ना, इनको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ना, ये डायरेक्ट परचेज दे रहे हैं, ये हो गया पेमेंट प्रोसेस। ओके इसको जनरेट कर रहे हैं सेव, एक्सेप्ट एंड सेव, ओके अभी हो गया, अब इसको वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई विथ ओटीपी, तो इनको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, अब इनका फाइनेंशियल डिटेल्स आ गया, इनका सेंसन लेटर आ गया, ये यहाँ पे सेंसन लेटर आ गया, इसको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, इनको ऑर्डर कौन है, तो आसवा इंटरप्राइजेस को ये ऑर्डर
जाएगा नासिक से। ठीक है, ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली, ओटीटी करेंगे कि इसको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सर अब इनकी सेलर आईडी पे मतलब ये बता सकते हैं आप ऑर्डर कैसे मतलब वहां पे सर अभी इतना बड़ा ऑर्डर तो मैं नहीं दे सकता ना मैडम, छोटा मतलब ऑर्डर रहा तो मैं प्लेस करवा सकता था। अभी जैसे ऑर्डर कर दूंगा उनको ऑर्डर में दिखेगा, मेरे पास भी रेस्ट्रिक्शन है, मुझे भी किसी से ये बायर का आईडी लेना पड़ता है, उनको भी पता चलता है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके ओके सर, हो गया सर, है ना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ कैसे करने का देता हूँ। लिंक उठाया, लिंक को बायर के आईडी पे डायरेक्टली मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, एडिट कंसाइनिंग, यहाँ से एडिट कर लो, कहाँ पे चाहिए मुझे, महाराष्ट्र में चाहिए, क्वांटिटी कितना चाहिए, एक क्वांटिटी मान लो चाहिए मुझे 3125,000 से 25,000 तक चलेगा, 25,000 से ऊपर होगा तो आपको डायरेक्ट L1 में भेज देगा ये, फिर आपको परचेज करने नहीं देगा। ओके, तो 3150 हो गया, इसको बाय डायरेक्ट परचेज या फिर डायरेक्टली एड टू कार्ड में आ जाएगा। मैं डायरेक्टली विदाउट किसी को कुछ किए मैं डायरेक्टली इनको ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, चाहे इसका रेट कितना भी होने दो। यही चेयर का इसने 25,000 डाल दिया तो भी इनको प्लेस ऑर्डर कर सकता हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट, पर इसकी लिमिट है 25,000 का। देखो ये डायरेक्टली हो गया डायरेक्ट परचेज कंफर्म, रीजन फॉर चूज दिस सेलर लो प्राइस या बेस्ट सेलर है आपके हिसाब से आप डाल देंगे, कंटिन्यू। ओके, कैसा पेमेंट होने वाला है, पेमेंट का पेमेंट अथॉरिटी का डेजिग्नेशन कौन है, ग्राम सेवक, ये भी ग्राम सेवक, किसके यहाँ पे चाहिए, बायर के चाहिए, कंसाइनी को चाहिए, चूज फाइनेंशियल अप्रूवल का लेटर, ये फाइनेंशियल अप्रूवल का लेटर हो गया, इसको डालने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू, इसको एक्सेप्ट एंड सेव। सर एक मिनट, इसको हम लोग अभी डायरेक्टली इसको प्लेस भी ऑर्डर भी मैं प्लेस करता हूँ, वेरीफाई विथ ओटीपी, ओटीपी डाल देंगे यहाँ पे तो ये प्लेस हो जाएगा। मैं डालता हूँ, सर बोल रहा हूँ ऑर्डर के टाइम पे जो पेमेंट का कंसाइनी का जो लेटर है वो मिलेगा क्या, मिलता है क्या, वो आपको बायर देगा ना, नहीं वो ऑर्डर तो ऑनलाइन मिलते हैं, वो लेटर भी ऑनलाइन मिलते हैं, ऑर्डर ऑनलाइन है वो बायर का है ना सर, तो बायर देगा ना आपको लेटर 410738, इसको देखो मैं डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस भी कर रहा हूँ, ये 3,000 का देखो ये ऑर्डर प्लेस कर दिया मैंने, योर कॉन्ट्रैक्ट नंबर, ये देखो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया डायरेक्टली, ये ऑर्डर को मैंने प्लेस भी कर दिया। अभी ये ऑर्डर का प्लेस यदि हो गया तो आपको यहाँ पे ये दिखना चालू हो जाएगा इनकी आईडी पे, थोड़ा अपडेट होने के लिए टाइम ले सकता है मे बी, पर ये ऑर्डर आपको प्लेस कर दिया मैंने बनर्जी सर को, बनर्जी सर का लॉगिन आईडी देखता हूँ। कॉपी, सर इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट का भी हो सकता है, हाँ हो सकता है ना सर, 25,000 से 25,000 तक वन टाइम, मतलब फिर नेक्स्ट डे दोबारा कर सकता है, हाँ फिर से दोबारा कर सकते हैं। सर ये बताइए जैसे अगर हमने अभी तो एक ही वो लिया है, एक ही चेयर का लिया है तो हमारा 25,000 के नीचे, अगर हमने इसके ऐसे ही मतलब 10 चेयर अगर ऑर्डर कर दिए होते तो हमारा 31,500 कुछ पहुंचता अमाउंट, नहीं 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 आप 25,000 से ऊपर नहीं कर सकते,
तब तो फिर L1 में चला जाएगा ना सर? फिर L1 में चला जाएगा। अच्छा देखो इनको ऑर्डर आ गया, देखो आया क्या इनके प्रोफाइल पे, ये कहां पे आया था? ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स में क्लिक किया तो देखो इनको ऑर्डर्स के लिए आ गया। आगे फिर इसमें इनवॉइस कैसे? हाँ वही मैं दिखा रहा हूँ सर अभी यहाँ पे, ये ऑर्डर्स में देखो आपको दिखना चालू हो गया, ये आपका डायरेक्ट परचेज है ना।